दोस्तों ये है Redmi Note 8, जिसे कि रिसेंटली इंडिया में Xiaomi की तरफ से 10,000 की एग्रेसिव प्राइसिंग में लॉन्च किया गया है। एंड इस प्राइसिंग में 4GB रैम प्लस 64GB स्टोरेज आपको मिल जाता है, 48MP के क्वाड कैमरास, स्नैपड्रैगन 665 का पावरफुल चिपसेट, प्रीमियम ग्लास बैक, टाइप सी पोर्ट फास्ट चार्जिंग बॉक्स के अंदर एंड और भी कमाल के फीचर्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं। जबकि इसी का एक पुराना भाई Redmi Note 7 Pro भी आजकल सेल के दौरान 12,000 के आसपास आपको मिल जाता है, और अगर आप कार्ड्स के थ्रू पेमेंट करते हैं तो 1,000 से ज़्यादा का डिस्काउंट वहाँ पर आपको मिलेगा, यानी 11,000 के आसपास Redmi Note 7 Pro का 4+64GB आपको सेल के दौरान ऑफर्स में मिल जाता है। एंड यहाँ पर भी आपको सेम डिस्प्ले, सेम बिल्ड क्वालिटी, 48MP के सोनी का सेंसर, स्नैपड्रैगन 675 का पावरफुल चिपसेट एंड और भी काफ़ी सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। तो ऐसे में आपके माइंड में काफ़ी सारे कन्फ्यूजन आ जाते हैं कि दोनों में से आखिरकार कौन सा स्मार्टफोन है बेस्ट। तो आज की इस वीडियो में फुल कंपैरिजन करेंगे दोनों ही स्मार्टफोन्स के बीच में। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक आप देखते रहिए, और सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको ऐसी कंपैरिजन वाली वीडियो सबसे पहले मिलते रहे। और गाइस यहां पर मैं आपको बता दूं Redmi Note 8 एंड Redmi Note 8 Pro की और भी काफी सारे लेटेस्ट स्मार्टफोन्स के साथ कंपैरिजन वीडियोस ऑलरेडी हमने बनाई हुई है, तो वो आपको प्राइवेट बटन पे मिल जाएगी। तो इस वीडियो के बाद आप जरूर से उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। गाइस अगर बात करी जाए कंपैरिजन के बारे में, तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइसिंग, रैम वेरियंट्स एंड स्टोरेज ऑप्शंस के बारे में। तो Redmi Note 8 के दो अलग अलग वेरियंट्स आपको अभी के लिए देखने को मिल जाते हैं, 4+64GB 10,000 की प्राइसिंग में, 6GB रैम प्लस 128GB 12999 यानी 13,000 की एग्रेसिव प्राइसिंग में। जबकि Redmi Note 7 Pro को 14,000 पे लॉन्च किया गया था 4+64GB के साथ, लेकिन आजकल सेल के दौरान आपको काफी अच्छे डिस्काउंट ऑफर्स मिल जाते हैं एंड 4+64GB 11999 यानी 12,000 में आपको मिल जाता है, एंड 6+128GB 15,000 से कम प्राइसिंग में आपको मिल जाता है, एंड ऊपर से 10% आपको कार्ड्स पर डिस्काउंट मिल जाता है फ्लिपकार्ट पर। गाइस अगर बात की जाए कंपैरिजन के बारे में, तो बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में। तो दोनों स्मार्टफोन्स में 6.3 इंच की ड्यू ड्रॉप नोच वाली फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले मिल जाती है, साथ में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन आपको मिलती है, LED नोटिफिकेशन लाइट आपको मिल जाती है। तो दोस्तों लगभग सेम डिस्प्ले आपको दोनों ही स्मार्टफोन्स में मिल जाती है। अगर हम बात करें बैक डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी के बारे में, तो दोनों ही स्मार्टफोन्स में सेम डिस्प्ले के साथ साथ सेम बिल्ड क्वालिटी आपको प्रोवाइड की गई है, ग्लोसी एंड ग्रेडेंट बैक डिजाइन आपको दोनों ही स्मार्टफोन्स में मिल जाता है, साथ में बैक में भी आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिलती है, तो प्रीमियम हैंड इन फील डिजाइन आपको मिलेगा। तो ये आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है, एंड आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि किस स्मार्टफोन का बैक डिजाइन आपको सबसे बेस्ट लगा। अगर हम बात करें कैमरास के बारे में, तो Redmi Note 8 में काफी बड़ा अपग्रेड किया गया है, क्वाड कैमरा सेटअप आपको मिल जाता है, प्राइमरी सेंसर 48MP का f1.79 के अपर्चर के साथ सैमसंग का G1 यहां पर प्रोवाइड किया गया है, 8MP का वाइड एंगल लेंस, 2MP का मैक्रो, 2MP का डेप्थ सेंसर यहां पर आपको मिल जाता है। जबकि Note 7 Pro में 48MP का f1.79 के अपर्चर के साथ सोनी का IMX586 वाला सेंसर प्रोवाइड किया गया है, तो थोड़ी सी बैटरी डिटेल्स यहां पर आपको मिलने वाली है, 5MP का डेप्थ सेंसर, जबकि सेल्फी कैमरा दोनों स्मार्टफोन्स में 13MP का आपको देखने को मिल जाता है f2.0 के अपर्चर के साथ। तो गाइस अगर बात करी जाए कंक्लूजन के बारे में, तो आपको Redmi Note 8 के साथ जाना चाहिए, क्योंकि यहां पर आपको एक्स्ट्रा वाइड एंगल लेंस भी मिलता है, मैक्रो लेंस भी आपको मिल जाता है, जो कि आजकल का लेटेस्ट फीचर है। अगर हम बात करें परफॉर्मेंस के बारे में, तो Redmi Note 8 में Snapdragon 665 का लेटेस्ट चिपसेट प्रोवाइड किया गया है, जो कि 11nm की टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस है, 2GHz की क्लॉक स्पीड के ऊपर क्लॉक्ड है, Adreno का GPU 610 यहां पर आपको मिल जाता है, Antutu बेंचमार्क स्कोर 160,000 के अप्रोक्स आपको मिल जाते हैं। जबकि Note 7 Pro में Snapdragon 665 का पावरफुल चिपसेट आपको मिल जाता है, सेम 11nm की टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस है, 2GHz की क्लॉक स्पीड के ऊपर क्लॉक्ड है, एंड Adreno का GPU 612 यहां पर आपको मिल जाता है, Antutu बेंचमार्क स्कोर आपको 200,000 के अप्रोक्स देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों PUBG परफॉर्मेंस आपको दोनों स्मार्टफोन्स में बेटर देखने को मिलेगी, लेकिन HD सेटिंग्स में आपको Redmi Note 7 Pro में हल्की सी बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाली है। अगर हम बात करें बैटरी लाइफ के बारे में, तो दोनों स्मार्टफोन्स में 4000mAh की सेम बैटरी लाइफ आपको मिल जाती है, टाइप सी पोर्ट आपको मिलता है, लेकिन Redmi Note 7 Pro में फास्ट चार्जर बॉक्स के अंदर आपको नहीं मिलता है, जबकि Redmi Note 8 में फास्ट चार्जर अब की बार बॉक्स के अंदर प्रोवाइड किया गया है। अगर बात करी जाए OS के बारे में, तो दोनों स्मार्टफोन्स Android Pie आउट ऑफ द बॉक्स आपको मिल जाते हैं, MIUI 10 का सपोर्ट आपको मिलता है, एंड दोनों स्मार्टफोन्स में 1 मंथ के अंदर MIUI 11 का भी लेटेस्ट अपडेट रोल आउट किया जाएगा। तो गाइस ये सारे फीचर्स आपको दोनों स्मार्टफोन्स में मिल जाते हैं। अगर हम बात करें फाइनल कंक्लूजन के बारे में, तो Redmi Note 8 आपको एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन मिल जाता है 10,000 की प्राइसिंग में, Redmi Note 7 Pro से
2000 के आसपास ये आपको चीपर भी मिलता है। साथ में डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड का स्लॉट भी अब की बार प्रोवाइड किया गया है एंड 18 वाट का फास्ट चार्जर बॉक्स के अंदर मिल जाता है Redmi Note 8 में। अच्छे कैमरास आपको मिल जाते हैं, क्वाड कैमरा सेटअप, स्नैपड्रैगन 665 का चिपसेट, प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी आपको मिल जाती है। तो ऑलराउंडर स्मार्टफोन Redmi Note 8 आपको मिल जाता है, तब की Note 7 Pro के साथ आप तभी जाइए अगर आपको थोड़ी सी और बेटर परफॉर्मेंस चाहिए PUBG में। बाकी Redmi Note 8 में भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी अगर आपको बैक कैमरा में थोड़ी सी और डिटेलिंग चाहिए, लेकिन Redmi Note 8 में आपको वाइड एंगल लेंस एंड मैक्रो लेंस भी मिल जाता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी गाइस अगर मैं अपना ओपिनियन तो Redmi Note 8 आपको कम प्राइसिंग में काफी अच्छे ऑप्शंस प्रोवाइड करता है, तो मेरे अकॉर्डिंग Redmi Note 8 के साथ आपको जरूर से जाना चाहिए। बाकी आपका क्या मानना आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो गाइस आज की वीडियो में के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। एंड गाइस Redmi Note 8 एंड Redmi Note 8 Pro की अनबॉक्सिंग वीडियोस एंड सारे कलर्स कंपैरिजन की वीडियोस भी आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगी, तो एक बार जरूर देख लीजिएगा। मिलेंगे गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत एंड टेक केयर।